हम लोग आए हैं दिवाली की तैयारी कर रहे हैं। आज हम लोग आए हैं मार्केट घूमने कि कैसे कैसे मार्केट लगे। लक्ष्मी माता की दिवाली के दिन पूजा रहती है। वैसे जिस दिन आप ब्लॉग देख रहे होगे उस दिन तो दिवाली है, तो आप सबको मैं विश करता हूँ हैप्पी दिवाली। तो आज हम लोग कर रहे थे दिवाली की तैयारी। आज रात मतलब आज है नरक चौदस और आज रात को हम लोग पटाखे भी फोड़ेंगे बहुत सारा। मतलब दिवाली में क्या क्या किया जाता पूरी दिवाली की मैं आपको स्टोरी में दिखाऊंगा। और मार्केट भी हम लोग पूरे अच्छे से घूमेंगे, आपको पटाखे की शॉप दिखाएंगे, पूरा मार्केट व्यू दिखाएंगे। तो एक तरीके से हम लोग सेलिब्रेट करके भी दिखाएंगे, दिवाली के पहले की तैयारी दिखाएंगे कि कैसे हम लोग कर रहे हैं तैयारी। आप देख सकते हैं कितने सारे दिवाली के लिए मिट्टी के दिए हैं यहाँ पे। आप देख सकते हैं कितने सुंदर सुंदर यहाँ पे दिए हैं। भगवान लक्ष्मी माता की मूर्ति भी है यहाँ पे बहुत ही अच्छी, और भी बहुत सारे अलग अलग वेराइटी के यहाँ पे दिए भी अवेलेबल है। घरों के लिए यहाँ पे सुंदर सुंदर झालर भी अवेलेबल है जैसे कि आप देख सकते हैं। और इसमें यहाँ पे दिया लगाते हैं टांगने वाला है। और यहाँ पे सजाने के बहुत सारे आइटम्स है। बच्चों की गन भी है फोड़ने वाली, आप देख सकते हैं। एक दिवाली के दिन घर को सफाई साफ सफाई की जाती है, घरों में अच्छी अच्छी नई नई चीजें लगाई जाती हैं जैसे कि तोरण। यहाँ पे भैया और अच्छे अच्छे स्टिकर्स दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं दिवाली के दिन ऐसे स्टिकर्स लगाए जाते हैं। भैया कमल का फूल सेल कर रहे हैं, जो चिड़ियाओं के लिए दाना रहता है वो सेल कर रहे हैं, देख सकते हैं। तो आप भी ऐसे ही बाहर वाले बाजार से आप लीजिएगा, गाइस आप मिट्टी के दिए भी ले लीजिएगा क्योंकि आजकल सब लोग ऑनलाइन दिए मंगाते हैं, तो छोटे छोटे सेलर से कोई दिए लेता नहीं है। तो हमको छोटे छोटे सेलर्स को भी सपोर्ट करना है, और आप भी मिट्टी के दिए मिट्टी की मूर्ति को ले लीजिएगा। ये थोड़े बड़े साइज के दिए आप देख सकते हैं, और इस साइड है कलरफुल दिए। गंगा मार्केट में, और आप यहाँ का व्यू देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा मस्त आ रहा है। ये देख सकते हैं अभी सब लोग यहाँ पे कार वार चला रहे हैं, और यहाँ पे बहुत सारे लोग अभी शॉपिंग के लिए भी आए हैं। जो ड्रेसेस की शॉप है वहाँ पे सब लोग यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए भी आए हैं। और अभी हमने जस्ट इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग भी की है यहाँ से। बहुत सारे लोग दिवाली के टाइम टीवी फ्रिज फ़ोन एक्सेट्रा लेते हैं, जैसे हमने भी फ़ोन लिया है नया, और एक नया ट्राइपॉड स्टैंड भी लिया है। तो सब लोग दिवाली के टाइम नई नई चीज़ें लेते हैं, और लेना भी चाहिए क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि दिवाली के टाइम चीज़ें लेने से शुभ होता है। तो अभी हम लोग घर जाएंगे और दिवाली की तैयारी भी करेंगे क्योंकि कल है दिवाली, तो जल्दी से अभी घर चलते हैं।
आज नरक चौदस की 14 दिए जलाए जाते हैं आज, और अभी बहुत सारे दिए भी जलाई है नानी, आप देख सकते हैं। फेस्टिवल ऑफ लाइट्स है क्योंकि दिवाली, इसलिए बहुत सारे नानी दिए जलाई है, और पूरा लाइटिंग से भी घर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और अभी हम लोग जाएंगे अपने घर में, और यहाँ की पूजा तो सॉरी मैं आपको दिखा नहीं ले पाया, लेकिन वहाँ पे भी अभी पूजा होगी, तो वहाँ पे भी अभी पूजा करेंगे, तो मैं आपको पूरा दिखाऊंगा कैसे वहाँ पे पूजा होती है। तो हम लोग नानी के घर से अपने घर में जा रहे हैं अभी, और अभी यहाँ की तो पूजा हो गई है, वहाँ पे पूजा करनी बाकी है, तो आपको वहाँ पे दिखाएंगे। थोड़े बहुत पटाखे भी फोड़ेंगे, इन लोग तो यहाँ पे बहुत सारे फोड़ लिए, लेकिन वहाँ पे असली पटाखे तो अभी मैं वहाँ पे फोड़ूंगा। और यहाँ पे अभी सब लोग नानी नाना मामी मामी बाय कर रही है, और अभी हम लोग अभी जाएंगे, मनु भी जा रही है और हमारे साथ, एक अच्छी बात है। मनु मज़ा आएगा वहाँ पे, और कल भी हम लोग आए, और यहाँ पे कोलू भी इंतजार कर रहे हैं, हमारा बाय कर रहे हैं कोलू भी, आप देख सकते हैं। यहाँ जुनू दीदी अपने फोन में बिजी है। और अभी इसके बाद हम लोग फटाके फोड़ेंगे, और मिनी तो मस्त वाला स्काई शॉट भी फोड़ने वाला है, मैं भी फोड़ने वाला हूँ, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो मम्मा अभी आप कितने दिए जलाए हो? अभी मैं 14 दिए जलाई हूँ, और इसको यम दिया बोलते हैं। अच्छा, अभी मम्मी 14 दिए जलाई है, और जो दिए मम्मी जलाई है उसको यम दिए बोलते हैं। आप मेरा व्लॉग तो सुबह डालना है, तो आप रात में मस्त से खुश एंजॉय।